तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द मेन पार्ट फॉर द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो ना, तो आपके लिए कम्युनिकेशन आना बहुत ज़रूरी होता है। अब कई लोग क्या होते हैं ना कि डर रहे होते हैं स्टार्टिंग में, नहीं यार मैं इंग्लिश कैसे सीख पाऊँगा, मैं बोल नहीं पाऊँगा, मैं वो कर नहीं पाऊँगा। तो ये चीज़ें ना एक तरीके से बेकार हैं जो आप पहले से सोच के रखते हो। देखो यहाँ पे बात करूँगा मेनली आईटी सेक्टर के लिए या कंप्यूटर साइंस सेक्टर के लिए मैं मेनली बात करूँगा, लेकिन अगर आप किसी और भी फील्ड से हो या कोई और आपने डिप्लोमा किया तो थोड़ा बहुत वीडियो आपको ये हेल्प करेगा उस चीज़ में। तो देखो क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर में ना आप किसी भी प्रोफाइल में अगर आप जा रहे हो तो आपके लिए कम्युनिकेशन एक मस्ट होता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ आईटी सेक्टर में, जैसे कि आप फ्रंट डेस्क के लिए जा रहे हो, जो रिसेप्शन पे बैठते हैं उसके लिए जा रहे हो, तो आपका 80-90% 100% कम्युनिकेशन होना चाहिए। लेकिन मैं आईटी प्रोफाइल की बात करूँ, अगर आपका 40% 50% भी अगर आपका कम्युनिकेशन है ना, आप चीज़ों को हैंडल कर पाते हो, आप चीज़ों को समझ पाते हो, 100% फ्रिक्वेंटली आप बोल नहीं पाते हो लेकिन आप समझ सकते हो। मैं सिर्फ समझने की बात करूँगा, अगर आप 80-90% समझ सकते हो कि सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसको हिंदी में आप ट्रांसलेट कर पाते हो, दैट इज़ इनफ। और इसके बाद अगर आप 30-40% बोल पाते हो तो उतना काफ़ी होता है एक कंपनी में हायरिंग के लिए, एक कंपनी में जॉब के लिए आपकी। अगर स्पेशली मैं बात करूँ सपोर्ट प्रोफाइल के लिए, तो आपका 40-50% कम्युनिकेशन आपका इनफ होता है। अगर आप टेक्निकल सपोर्ट में होना तो फिर वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन देखते हैं 70-80%। अब आप अपने अकॉर्डिंग अगर आईटी में आना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग आप अपने आप को उस लाइन में डाल सकते हो या उस लाइन को चूज़ कर सकते हो कि मुझे डेस्कटॉप सपोर्ट में जाना है या मुझे आईटी सपोर्ट में जाना है, सिमिलर प्रोफाइल होती हैं ऑलमोस्ट, या मुझे टेक्निकल सपोर्ट में जाना है। अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट में जाना है जो कॉलिंग पे सपोर्ट देते हैं, उसके लिए आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आपका एवरेज कम्युनिकेशन है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप डेस्कटॉप सपोर्ट या आईटी सपोर्ट में जाओ, वहाँ पे काम करो 1-2 साल में। और जब आपके पास 30-40% होता है ना, तो इसके बाद क्या होता है कि उस 30-40% 2 साल में आपका पूरा आपका 70-80% आपका हो आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू के लिए बहुत काफ़ी अच्छा होता है, जहाँ पे आपका इजीली प्लेसमेंट हो सकता है। तो जहाँ 80% हुआ, आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देके किसी भी प्रोफाइल के लिए आप जा सकते हो। 80% इज द इनफ, 100% इतनी जल्दी किसी का होता भी नहीं है। होते हैं देखो जो अच्छे कॉलेज से, एक ब्रांड कॉलेज से करते हैं और जो बचपन से CBSE या इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ रहे होते हैं, उनका ऑब्वियस 100% होता है। लेकिन अगर आपने जैसे यूपी बोर्ड से किया हुआ या हिंदी बोर्ड से किया हुआ या आपने कहीं से, तो आपका 100% होने में टाइम लगता है। जैसे ही आपका 5-6 साल 7 साल होता है तो आपको भी 100% उस कम्युनिकेशन स्किल का एक्सपीरियंस होता है। तो सीधा पॉइंट मेरा यहाँ पे है, अगर आपका थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेशन अच्छा है, 30-40% भेजकर इंटरव्यू दो। और इंटरव्यू में फालतू की चीज़ें नहीं होती ना वहाँ पे, सिर्फ उतना पढ़ो जितना आप इंग्लिश में बता सकते हो कि क्वेश्चन आंसर आप इंग्लिश में पढ़ लो, चाहे वो रट्टा मान लो या आप समझ लो, किसी भी तरीके आप वहाँ पे इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस का आंसर दे पाओ इंग्लिश में, उतना काफ़ी होता है कि इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए। तो बस यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।